और एक मकामी शख्स हैं इनसे भी जानते हैं कि ये जो है इसके बारे में क्या अपने जो हैं ख्याल रखते हैं जनाब आपका नाम नूरदीन आप भी यहीं रहते हैं जी मैं यहाँ रहता हूँ तो क्या कहें जो खुले आसमान तले जो हैं बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं हमारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर रहते हैं यहाँ किसी के कोठे पे पढ़ते हैं इस स्कूल 2013 से बन रहा है अभी बिल्डिंग वो पड़ी हुई है उधर खुले आसमान के तले जो हमारे ये बच्चे हैं बिल्कुल धूप में इस वक्त तक चार बजे तक यहाँ बैठे हुए हैं तो हाँ आप जो है इंतज़ामिया से क्या मांग इसकी करेंगे हम ये मांग करते हैं कि हमारा कुछ सोचा जाए हम गरीब लोग हैं जैसे खचरे खचरों की तरह हमारे एक गोवाल में रह कर हमारे बच्चे पढ़ते रहते हैं हमें कोई नहीं देखता है और आप क्या कहेंगे हमारा कहना यही है कि 2013 से हमारी जो ये स्कूल बिल्डिंग बन रही है अभी तक दो तक ये कम्प्लीट नहीं हुई इसमें असलीत वजह यह है कि या तो ठेकेदार को इसकी पेमेंट नहीं मिलती है तभी यह काम अधूरा रहा है या तो ठेकेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है या तो किसी और वजह से यह रही है इसके बाद हम अंजामिया से ये गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे स्कूल को छत लगाया जाए और हमारे बच्चों के बारे में सोचा जाए अगर ऐसे ही हमारे बच्चे खुले आसमान के तले बैठे रहेंगे इस धूप में धूप में बैठने से हमारे कई बच्चे बीमार हो रहे हैं जब हम बीमार बच्चे हो जाते हैं डॉक्टरों के पास ले जाते हैं बोलते हैं पहले कोरोना टेस्ट करो इसका तो ऐसा नहीं होगा आज के बाद हमारी अर्ज यही है पूरे इंतजामिया से कि हमारे स्कूल के बारे में सोचा जाए अगर कहते हमारे स्कूल की बिल्डिंग बना के दीवारें खड़ी करके 11 साल तक रखी है तो इसकी भी कुछ वजह होगी या तो ठेकेदार ध्यान नहीं दे रहा है या उसको पेमेंट नहीं मिल रही है अगर पेमेंट मिली है तो उसको पूछा जाए कि हमारे स्कूल जो अधूरा है आज तक ये किस वजह से रहा इस वक्त हमारे लगभग 200 बच्चे यहाँ खुले आसमान तले बैठे हैं अगर बारिश का मौसम आए तो जो इंतज़ाम यहाँ चला है जिसका मकान है वो बोलता है कि हमें कराया होना चाहिए तब मैं अपना कमरा खाली करके बच्चों को अंदर बैठने दूँगा ऐसे ना हमारे बच्चे पढ़ेंगे ना हमारे बच्चों का कुछ होगा तो इसलिए हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारा स्कूल के बारे में जल्द से जल्द सोचा जाए ये थे मकामी लोग ये जो है पी एस लवर मुरदार है जिसकी बात जो है अभी तक चल रही थी यहाँ जो है बच्चे खुले आसमान तले जो हैं आज भी अपनी तालीम इस डिजिटल दौर में पढ़ रहे हैं और बिल्डिंग जो है वो दीवारों तक तो बनाई गई है लेकिन उसका दीवारें तो कंप्लीट की गई हैं लेकिन उसका छत जो है आज तक जो है नहीं पड़ा है उम्मीद है कि इंतज़ामिया जो है इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करके जो है इन बेचारे गरीबों का ये एस बस्ती है इनका जो है कुछ ना कुछ जो है हल निकाला जाए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए